क्या हो गया भाई? क्या आज हम करने वाले हैं आउटडोर कुकिंग और खुले में खाना बनाएंगे बिल्कुल। बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठे कर दिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ऊपर पहाड़ी और हम जा रहे हैं ऊपर चोटी पे, बिल्कुल टॉप पे। आज नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल साफ पानी हमें मिल चुका है और यहाँ से हम ले जाएंगे पानी, क्योंकि पहाड़ों में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हिमाचल वाले पानी नहीं ले गए थे तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और पहाड़ों में जाके काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत हुई थी, लेकिन हम ये दिक्कत नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, ये हमारे टोरे शर्मा पी रहे हैं यहाँ पे नेचुरल पानी, पता नहीं गंदा है कि साफ, लेकिन फिर भी ये पी रहे हैं। ये माउंटेन वाला माउंट का पानी पीते हुए। अभी जो स्थिति है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं और सामने जो आप देख रहे हैं पहाड़ी, वो शिकारी माता, और उसी के सामने की हाइट में हम आ चुके हैं लगभग। पीछे देख रहा है ना ये बंदा ललित, बहुत ज्यादा थक चुका है, काफी ज्यादा चल के। ये बोलो कि मैं वापस चला जाऊं यहाँ से, इतनी ज्यादा खराब है कि पानी की बोतल भी खाली कर चुका है। तेरे घर से तो गाइस, यहाँ पे एक बंदा हमारे बहुत ज्यादा थक चुका है। क्या हो गया भाई? भगवान, क्या हो गया भाई? बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तो गाइस बहुत ज्यादा थक चुका है यहाँ पे बंदा। तो मुझे खड़ा करो भाई, खड़ा करो भाई, इसको खड़ा करो भाई। ललित, यहाँ पे कोई भालू भूलू तो नहीं होते हैं? टाइगर वगैरह? टाइगर तो पता नहीं भाई, पर भालू यहाँ पे होते हैं। सच में? यस, उसको ही पूछ लो। होते हैं ललित? ललित ने सुनील, ललित ने सुनील। बहुत सारे कांटे वाले पेड़ है और इसमें देख सकते हैं आप कितने सारे कांटे। हाइट का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, जो पहला पेड़ दिखा रहा हूँ मैं आप, इसमें जो कांटे होते हैं ये वाले जो पेड़ होते हैं बहुत ही ज्यादा हाइट पे होते हैं, बहुत ही ज्यादा टॉप पे, और इतनी ज्यादा हाइट में हम पहुंच चुके हैं। सर, आप यहाँ क्यों बैठे हो? सर, मैं नज़ारे का मजा ले रहा हूँ, थक भी चुका हूँ। आज हम ऐसा करने वाले कि आज हम करने वाले हैं आउटडोर कुकिंग और खुले में खाना बनाएंगे बिल्कुल जंगल में, और बिल्कुल सारा सामान हमने लाया हुआ है। कुछ स्थिति इस तरह की है, हंस हंस के पागल हो गए दोनों। कांड बहुत खतरनाक। सुनील कुछ ज्यादा ही हंस रहा है। पहुंच चुके हैं यहाँ पे पानी के पास, बहुत सारा पसीना भी निकला, बहुत सारा थक चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारा पानी भी, और पियेंगे अभी हम पानी, और पीछे ललित इंजॉय ले ही रहा है। जो हम आउटडोर कुकिंग करने वाले हैं उसके लिए हम यहाँ से पानी ले जाएंगे, और उसके लिए हमारे पास कुछ और सामान है वो हम बाद में लाएंगे यहाँ पे, पहले हम अपनी बोतलें भर लें पानी की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, हमने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठे कर दी है, ऊपर जाके हम जलाएंगे अभी आग। अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, जो है हमारी फेवरेट लोकेशन, हमेशा हम यहाँ आते रहते हैं, देव विष्णु मतलोड़ा का मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है। जय हो देव विष्णु मतलोड़ा, यह है देव विष्णु मतलोड़ा का मंदिर। जैसा कि फ्रेंड्स हम आपको बताते रहते हैं पहली वीडियो में कि बहुत ही सुंदर मंदिर है देव मतलोड़ा विष्णु भगवान का, और अभी हम तीनों ही पहुँच चुके हैं यहाँ पे और करेंगे विष्णु मतलोड़ा का दर्शन। काफी शांति भी आप पहुंच गए हमें देव विष्णु मतलोड़ा के मंदिर में। यह है मंदिर की चाबी और अभी जाएंगे हम मंदिर के अंदर और करेंगे मतलोड़ा का दर्शन। जो यहाँ का जो होता है कोई मुखिया, उससे मांगनी होती है चाबी। मुखिया हमको दे, सॉरी गाइस, मुखिया हमको दे, तो हम खुद ही खोलेंगे इसको, पर चाबी किसी और के पास होती है। खोल रहे हैं मंदिर को। खोलो भाई, लगता है कल चाबी ले आए। यस, मंदिर खुल चुका है। खुल Thank you.
अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर। बहुत ही अच्छी वाली बाई बारी है देव मित्रों विष्णु के दर्शन करके, और आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर मंदिर है यहाँ पे। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत, जय देव मित्रों।